हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस रेसिपी में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ लौकी वाले दाल की रेसिपी, जिसको कि मैंने अरहर दाल के साथ बनाया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। लौकी वाली दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अरहर का दाल भिगो के रख लिया था। यहाँ मैंने एक कटोरी अरहर का दाल लिया है। एक कटोरी में मैं यहाँ 3 कटोरी पानी डालूंगी। अगर आप चाहो, अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ी दाल पसंद है तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ 2 कटोरी ही पानी डालें। मैं यहाँ 3 कटोरी पानी यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का लौकी ले लिया था, जिसे मैंने पूरा ही यूज़ किया है। यहाँ थोड़े बड़े बड़े साइज़ में ही हमें काट लेना है। लौकी की साइज़ हमें बहुत छोटी नहीं रखनी है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। और इसे बनाते वक्त हम यहाँ सिर्फ नमक और हल्दी डालेंगे। यहाँ मैंने 1/2 चम्मच नमक डाला है और 1/2 चम्मच हल्दी डाला है। और नमक और हल्दी अब हम लोग उसमें प्याज वाले फ्राई में नहीं यूज़ करेंगे। नमक तो अकॉर्डिंग अपने टेस्ट के ले भी सकते हैं, बट हल्दी हम लोग यहीं यूज़ करेंगे बस। इसे 5 विसिल आने तक पका लेना है हमें। यहाँ मैंने तेज पे 1 विसिल आने दिया और मैंने सिम पे यहाँ 4 विसिल आने तक वेट किया। और जब तक इसका प्रेशर अपने से रिलीज़ नहीं होता है, मैं कुकर नहीं खोलूँगी, आप भी मत खोलिएगा। इस तरह बहुत अच्छे से दाल पक जाता है। दाल या फिर कोई भी चीज़ आप प्रेशर उसका अपने से ही रिलीज़ होने देंगे, वही बढ़िया होता है। तो यहाँ 4 से 5 विसिल आ गया है। उसके बाद अब मैं गैस बंद कर दूँगी। हाँ, मेरा दाल बन के रेडी है। मैंने गैस बंद कर दिया है और अब हम फ्राई कर लेंगे। इसका फ्राई तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने नॉनस्टिक तवा पैन यूज़ किया है। मैंने गैस का फ्लेम हाई ही रखा है। मैं इसे सरसों तेल में फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून बड़ा वाला भर के इसमें सरसों तेल डाल दिया। अगर आप इसे चाहो तो घी में भी फ्राई कर सकते हो, मुझे तेल पसंद है। तो यहाँ मैंने इसे लहसुन डाल दिया है। लहसुन मैंने यहाँ 1 पूरा पोटी यूज़ किया हुआ है। आप लहसुन की क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे हमें बहुत अच्छे से, यहाँ मैंने गैस अभी फ़िलहाल सिम कर दिया है और इसे मैंने अभी 2 पिंच हींग डाल दिया है। हींग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दाल में। यहाँ मैंने 1 तेज़पत्ता, 1/2 टेबल स्पून जीरा और यहाँ मैंने 1 बड़ी वाली इलायची और 4-5 काली मिर्च डाल दिए फ़ौरन में। फ़ौरन बस हमें इतना ही डालना है। जब लहसुन अच्छे से पक जाए तो इसमें मैं फ़िलहाल अदरक डाल दूंगी। 1 इंच छोटा छोटा बारीक काट लिया था मैंने मिर्ची और 1 यहाँ मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको मैंने बारीक काट लिया था। अब इसे हम लोग मीडियम फ्लेम पर ही पकाएँगे। 4 से 5 मिनट इसे हो गए मीडियम फ्लेम पे ही पकते हुए। आप देख सकते हैं ये ट्रांसलूसेंट हो गया है और हमें सिर्फ ट्रांसलूसेंट ही करना है। उसके बाद इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर डाला जिसको मैंने बारीक काट लिया था और मैं नमक यहाँ डाल रही हूँ बस फ्राई के अकॉर्डिंग, क्योंकि दाल के अकॉर्डिंग तो हमने पहले ही डाल लिया था। यहाँ मैं 1 टेबल स्पून गर्म मसाला घर का बना हुआ यूज़ कर रही हूँ। आप भी घर का बना हुआ ही मसाला यूज़ करें, वो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। बस इसे ढक के अब हम लोग पकाएंगे 5 मिनट के लिए बिल्कुल सिम पे। इसे 3 से 4 मिनट हो गए मीडियम फ्लेम पे ढके हुए। अब मैं इसे खोल के देख ले रही हूँ। वैसे तो देख के लग रहा है कि टमाटर अच्छे से गल गया है। हम ऐसे ही इसे चलाते रहेंगे। और यहाँ मैं फ़िलहाल मटन मसाला यूज़ कर रही हूँ। मटन या चिकन मसाला कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट इन्हांस कर देता है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। यहाँ मैंने 1/2 टेबल स्पून मटन मसाला डाला है। आपके पास घर में जो भी अवेलेबल हो आप बिल्कुल उसे यूज़ करें, वो बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट इन्हांस कर देता है। यहाँ मैं हरी धनिया डाल रही हूँ। धनिया मैं थोड़ा पहले ही डाल रही हूँ, गार्निशिंग के लिए हम बाद में डालेंगे। इस स्टेज पे धनिया डालने से टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है फ्राई करने वाली चीज़ों का। तो आप भी धनिया बिल्कुल यूज़ करें, देखिएगा स्वाद बिल्कुल बढ़ के आएगा। और वैसे भी लौकी वाली दाल बहुत टेस्टी होती है। इसे ढक के पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं सिम पे ही। अब मैं यहाँ फ्लेम तेज कर दूंगी और इसे अच्छे से भूंज लूंगी। मसाला थोड़ा अच्छे से ही भुंजा हुआ होना चाहिए, आप देख सकते हैं। तो इसे अच्छे से मसलते हुए हमें कर लेना है, अच्छे से इसे भूंज लेना है। लौकी वाली दाल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, तो आप एक बार ज़रूर इसे बना के ट्राई करें। अगर आप अरहर दाल में बना के नहीं ट्राई करना चाहते हैं, तो अगर आप चाहें तो चने वाले दाल में भी बना सकते हैं। क्वांटिटी दाल की यहाँ बिल्कुल सेम ही रहेगी, छोटी वाली 1 कटोरी भर के। और यहाँ मैं अरहर दाल ली थी तो यहाँ मैंने अरहर दाल भी छोटी वाली 1 कटोरी भर के लिया था मैंने।
बहुत टेस्टी लगता है। चाहो तो मसूर के साथ भी इसे ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं कुकर देख लेती हूँ खोल के कि हमारा दाल अच्छे से गल गया है कि नहीं गल गया। अगर आपके यहाँ 4 से 5 सीटी में दाल ना गलता हो तो आप चाहें तो 1-2 सीटी बढ़ा घटा सकते हैं, जैसा आपके यहाँ दाल गलने में जितना टाइम लगता हो। यहाँ मैं खोल के देख लूँगी, वैसे देख के तो अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक गल गया है। अब मैं इसे पैन में डाल दूँगी और अब ये फ्राई हो जाएगा। बस ये फाइनल स्टेज पे ही है, आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। इसे आप चावल या रोटी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसे बनाएं तो इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये थोड़ी अभी इस वक्त इस स्टेज पे मुझे दाल थोड़ी गीली लग रही है, तो मैं इसे तेज़ फ्लेम पे ही करके थोड़ा इसे गाढ़ा करूँगी। लौकी ने बहुत ज़्यादा ही पानी छोड़ दिया क्योंकि लौकी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश था। अगर आप में इतना पानी ना छोड़े तो आप चाहें तो इस स्टेज में बस एक उबाल आने के बाद आप गैस बंद कर सकते हैं। मैं यहाँ 3 से 4 उबाल आने तक का वेट कर रही हूँ। दाल बनके बिल्कुल ही रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ मुझे नमक थोड़ा टेस्ट अकॉर्डिंग कम लग रहा है, तो मैं यहाँ 1/2 टेबल स्पून नमक और 1/4 टेबल स्पून यहाँ मैं गरम मसाला डाल रही हूँ ताकि इसका टेस्ट और इन्हांस हो के आए। वैसे ये बहुत टेस्टी बनी है, तो आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना कीमती फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। सी यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।